उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद से सातिर जालसाजों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस हिरासत में खड़े इन जालसाजों के चेहरों को देखकर आपको ये मामूली अपराधी दिख रहे होंगे, लेकिन इनकी हकीकत जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। पुलिस हिरासत में मासूम दिखने वाले ये शातिर स्पेशल 26 फिल्म की तर्ज पर कारोबारियों के पास पहुंचते थे और खुद को आयकर विभाग और विजिलेंस जांच टीम के अधिकारी बताकर उनके हिसाब में गड़बड़ी होने की जांच की बात कहते थे। इतना ही नहीं, अधिकारी बनकर ये संबंधित विभाग का नोटिस भी कारोबारियों को पकड़ा देते थे और बकायदा उस नोटिस में विभाग की मोहर भी लगी होती थी। पुलिस को जब इस गिरोह के सक्रिय होने की जानकारी मिली तो मुखबिर की सूचना पर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं बदमाशों के इस गिरोह का सरगना मुरादाबाद जनपद का रहने वाला बताया जा रहा है, जो कि फरार चल रहा है। लग्जरी गाड़ी में पूरे रॉब के साथ चलने वाला ये गिरोह कारोबारियों के अलावा स्कूल कॉलेज संचालकों और निजी अस्पताल के मालिकों को भी निशाना बनाते थे। हिसाब में गड़बड़ी बताकर ये नोटिस थमाने के बाद फोन से लगातार दबाव बनाकर रंगदारी वसूल कर रहे थे। पुलिस को जानकारी मिली है कि जालसाज अब तक कई कारोबारियों और स्कूल संचालकों को शिकार बना चुके हैं। पुलिस के मुताबिक नौकरी लगाने के नाम पर भी जालसाज बेरोजगार युवकों को तलाश कर उनसे मोटी रकम वसूलते थे। इसी के साथ ही पुलिस को गिरोह के गिरफ्तार सदस्यों के पास से केंद्रीय सतर्कता आयोग के 3 नोटिस, एंटी करप्शन के 6 नोटिस, आयकर विभाग के 2 नोटिस, 2 अपॉइंटमेंट लेटर, 9 मुहरे, 1 तमंचा, 2 आईफोन भी बरामद हुए हैं। कमिश्नर बनकर और एक एंटी करप्शन ब्यूरो के मैनेजरिंग डायरेक्टर बनकर विभिन्न लोगों को नौकरियां दिलवाने के नाम पर या विभिन्न बड़े बड़े अस्पतालों में और बड़ी बड़ी कंपनियों में CSR के नाम पर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके नाम पर लोगों को लेटर देते थे और उनसे ये प्रयास करते थे कि साहब हम फलाने चीफ विजिलेंस ऑफिसर के ऑफिस से हैं और अगर आप इतना पैसा नहीं दोगे तो हम आपको। स्पेशल डेस्क, जनमत न्यूज़।